भारतीय रोलर डर्बी टीम में अलीगढ़ की बेटी तंजिला खान जगह बनाने में कामयाब रही। तंजिला उत्तर प्रदेश टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय रोलर संघ ने भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी की है और इसमें अलीगढ़ की तंजिला का नाम भी शामिल है। वहीं अब तंजिला उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रही है ताकि वो भारत को गोल्ड मेडल लाने का सपना पूरा कर सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तंजीला खान है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है। मैंने लास्ट ईयर अपनी BPA कंप्लीट किया है और इस साल मैं MPA की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक स्केटर हूँ। मैं पिछले 7 से 8 सालों से स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी भाग ले रखा है। मैं पिछले 3 सालों से अपने टीम की यूपी टीम की कैप्टन भी हूँ और मैंने अपने कैप्टनसी में काफ़ी सारे मेडल्स निकाल रखे हैं। मैंने लास्ट ईयर अपने कैप्टनसी में नेशनल में गोल्ड मेडल निकाला है और उससे पहले मैंने अपना नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल निकाला है। और मैं मेरी अभी चैम्पियनशिप हुई है मोहाली में फर्स्ट इंडियन स्केट रोलर गेम्स, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। तो मैंने अपनी कैप्टनसी में काफ़ी सारे मेडल्स निकाल रखे हैं और मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गई हूं, मेरा आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे अभी इंडिया टीम के ट्रायल्स थे पुणे में, जो कि 15 जून से 30 जून तक मेरे पुणे में ट्रायल्स चले हैं, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं अब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और मुझे अपने फेडरेशन को 2.75 लाख पे करना है 15th of July से पहले। और मेरे पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो मुझे अपने यूपी गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की दुआ चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें, मैं अपने इंडिया टीम के लिए मेडल लाऊं। और मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए आप सब दुआ करें, मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए और मुझे अपनी यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करें और मैं इंडिया टीम के लिए मेडल लाऊं। और मैं योगी सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें, जिससे मैं अर्जेंटीना में होने वाले वर्ल्ड ओवर गेम्स स्केटिंग चैम्पियनशिप में जा सकूं और अपने कंट्री, अपना स्टेट और अपने शहर का नाम रोशन कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। वहीं जनपद मेरठ के कस्बा किठौर निवासी परवेज जुबैर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तंजिला खान को ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान से मिलवाया। वहीं परवेज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मेरे एक दोस्त से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे एक बहन है जो कि उसने स्केटिंग में इंटरनेशनल में क्वालिफाई किया है और वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से है, तो वो कुछ अपनी मदद चाहती है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने फ्रेंड से मिली थी, तो तभी मैंने सोचा और यहाँ दिल्ली बुलाया उन्हें। वो अलीगढ़ की रहने वाली है और मैं यहाँ पे हमारे अमानतुल्लाह खान विधायक जी के पास उनको लेके गया। मैं था और मेरा एक दोस्त हैं शादाब मोहम्मद खान, वो भी हमेशा जब भी हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं वो एकदम तैयार रहते हैं। वहाँ गए और हमें विधायक जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया और हम सबको इस बहन की मदद करनी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारी बहन ने इंटरनेशनल स्केटिंग में जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि इस बच्ची की जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो तो इसके लिए हेल्प करें, हम सब आगे आएँ और उनको सपोर्ट करें।